पंजाब में हो रहा है लगातार पेट्रोल की कीमतों में इजाफा। मेरा अमन है जी। किवें देखदे हो पेट्रोल डीजल दी जिहड़ी कीमतां च वाधा हो रहा की कहना चाहोगे? देखो जी, ये कीमतां बहुत ज़्यादा ने वध रही नहीं गई। कल 76 पैसे पेट्रोल वधे है और डीजल, अज 77 पैसे वधे है पेट्रोल फिर डीजल। तो कल चीनी लै गया मैं 40 रुपए से, अज 42 रुपए है। कल राती 12 बजे तो बाद सिलेंडर की 50 रुपए कीमत इजाफा होया है। सो देखो, केंद्र सरकार ने बताया रेट, ये चाहे देखो पंजाब सरकार कुछ बता रही है, सानू तो देखो गुजारिश यही करूँगा मैं सरकारों, ताकि देखो सब पंजाब असं वोटा पाई मान साहब न, सानू मान साहब तो ये गल की उम्मीदा नहीं गई भी वो जिमें कहते असी बिजली घटावे बिजली फ्री देवे, फ्री देन बेशक ना देन, पर इन चीज़ों से इन्ना इजाफा ना करन ताकि आम इंसान रोटी तो वांझा रह सके। देखो आम इंसान की एक दिहाड़ीदार की जी दिहाड़ी है वो 700 रुपये लेंदा है, 700 रुपये जो की बेचारा पेट्रोल पाऊगा, की वो रोटी खाऊगा, की वो सब्जी भाजी लूगी, वो मेडिकल लूगा। एक सिलेंडर तो कॉमन जी चीज़ है ना, पेट्रोल ही कॉमन जी चीज़ है। सो मैं सरकार को गुजारिश करूँगा तो कीमतों ना वधा के बल्कि घटा के पंजाब को कुछ हाल बना। केंद्र सरकार को गुजारिश है भी थोड़ा जहा पंजाब लिए या इंडिया लिए प्रोपर ये सोचो भी ज़्यादा लोगों को ना तंग करिए तो आम इंसान इंसान रोटी खा सके। धन्यवाद जी। नाम की है तुम्हारा? जगजीत सिंह। किवें देखते हो दो दिनों तो लगातार पेट्रोल ते डीजल दी कीमतों वाधा हो रहा है 70-75 पैसे, किवें देखते हो? ये महंगाई वधी जाती है जी, सरकार नूं इहदे विच कुछ ढिल करनी चाहीदी है। इन्नी आमदन है नहीं जिन्ने वाधा हो रहा डीजल च पेट्रोल च, होर भी चीज़ा महंगी हो रही ने। आम लोगों पर की असर हो रहा? लोगों पर असर तो होगा जी, महंगाई का घट करना चाहिए जी सरकार, उम्मीदा ना बनिया सरकार लोगों दिन। घर चलाना कितना औखा हो रहा? घर चलाना औखा ही है जी, कमाने वाला एक है, खाने वाले चार ने। गुजारिश की करते, बेनती की करते? अभी तो यही बेनती करने जी सरकार, सेंटर दी भी पंजाब दी भी महंगाई घटाई जाए, लोगों रायत दिखाई जा।